नंबर 62 श्री राहुल शेवाले, 62, 68 और 73 को क्लब किया जाता है। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल टेंडर के बारे में जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस इश्यू के बारे में मैं 15 मई को ही सरकार को एक पत्र लिखा था कि जो भी ग्लोबल टेंडर निकाले जा रहे पूरे देश में उस वक्त, उस ग्लोबल टेंडर को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि ग्लोबल टेंडर की मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन केंद्र सरकार के सपोर्ट के सिवा ग्लोबल टेंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व स्टेट गवर्नमेंट सक्सेस नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परमिशन है, जो ग्लोबल टेंडर्स के जो सप्लायर है उनके जो इंडियन पार्टनर्स है उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए, वो परमिशन न मिलने की वजह से पूरे देश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाला, वो सब फेल हुए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि पूरे देश में अगर ग्लोबल टेंडर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट को निकालना हो तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म गाइडलाइन होनी चाहिए और यूनिफॉर्म टेंडर ड्राफ्ट होना चाहिए। उस जो भी सप्लाई करेगा उस सप्लाई को आईसीएमआर डीजीसीआई की परमिशन मिलनी चाहिए, वो न होने की वजह से जितने भी ग्लोबल टेंडर है वो फेल हुए। आज पूरे देश के स्टेट हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 50% गवर्नमेंट सप्लाई करेगी और 50% आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोविड संक्रमण और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें, आप मास्क लगा के रखें, कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य आप मास्क लगा के रखें, आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो, आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए, आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आप जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए, मैं हर मुद्दे पर हर विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा, उपयुक्त समय और उपयुक्त अवसर दूंगा। माननीय सदस्य आप सीट पर जाइए, मैं आपको चर्चा का मौका दूंगा, आप जाइए सीट पे, मैं आपको मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन के लिए और वैक्सीन उपलब्धता के लिए और वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उपस्थित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले आपको आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूँ कि देश में कोविड के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में देश में राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है और यही विषय को लेके मैं यहाँ रिप्लाई भी दूंगा और राजनीति भी ये विषय पर मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप कोविड क्राइसिस के सामने हम सामूहिक तरीके से लड़ सके इसके लिए 20 बार स्टेट गवर्नमेंट के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत किया, चर्चा की और उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें भारत सरकार ने उसको सहयोग करने के लिए समय समय पर कार्य योजना बदली। सबसे पहले विपक्ष के द्वारा या तो कई लोगों के द्वारा या तो कई राज्य के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता था कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और हेल्थ के लिए स्टेट को भी
विश्वास में लेना चाहिए और उसको भी कोई अनुमति देनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि वैक्सीन हम भी खरीद सकते हैं, हमें भी अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य भी खरीदना चाहते हैं तो राज्य भी खरीदे और खरीद के देश को, अल्टीमेटली तो देश के नागरिक को वैक्सीनेशन होना है। और इसलिए मोदी जी ने 1 मई से कहा कि 25% स्टेट खरीदे, 25% प्राइवेट लोग खरीदे और 50% ये भारत सरकार खरीद के जन के देश के नागरिक को टीकाकरण करेगी। और 25% के लिए कल स्टेट ने टेंडर निकाला, हमने कहा कि हम आपको सहयोग करेंगे, देने वाले लिमिटेड थे, भारत सरकार भी बात कर रही थी, लेकिन भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम टेंडर निकालना चाहते हैं। हमने कहा क्या हमारी मदद की आवश्यकता है, हम मदद करने के लिए तैयार है, आप खरीद सकते हैं, टेंडर निकाल सकते हैं। दो बात थी सर, एक उस पर राजनीति भी हो सकती थी जो कई लोगों ने की, एक हमारा क्लियर मन था, मोदी जी ने कहा उस विषय पर राजनीति नहीं, जो राज्य खरीदना चाहते हैं हम उसको मदद करेंगे। कई राज्य ने ग्लोबल टेंडर बाहर पड़ा, लेकिन कंपनी निश्चित थी, 2 कंपनी इंडिया की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। मॉडर्ना ने अभी इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, परमिशन दे दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में बायोलॉजिकल इवेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम चल रहा है। 2 कंपनी बची थी, बाद में फाइजर के साथ भारत सरकार एक लेवल से बात कर रही है, आज भी कर रही है, तब भी कर रही थी, लेकिन एक कंपनी ने बोल दिया कि हम स्टेट से नहीं, भारत सरकार हमसे बात कर रही है और हम भारत सरकार के साथ आज भी कर रहे हैं, आज भी भारत सरकार का एक एक्सपर्ट ग्रुप उसके साथ बात कर रहा है। और कंपनी ने आज आके इंडिया में ऑलरेडी हमने परमिशन दे दिया है, इश्यू ये नहीं है सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इश्यू राजनीति का है, ये मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद है, हर कोई का लक्ष्य है कि देश के 7% 18 एबव लोगों एबव नागरिक को वैक्सीनेशन हो, उसके लिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये राजनीति का अवसर नहीं है, लोगों को पता नहीं था ऐसा नहीं। जब इंटरनेशनल और बायोलेटरल बात होती है, कंपनी टू कंपनी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे बात होती है, हर संभव हर प्रयास करने के लिए हम आज के दिन में भी कर रहे हैं। आज के दिन में भी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया ने आज प्राप्त कर ली है, अगले दिन में और प्राप्त होनी है और हम लक्ष्य और आगे बढ़ रहे हैं। कृपया, लेकिन भी एक बहुत ओपन फोरम था, बाद में फिर मुख्यमंत्री श्रीओ की मीटिंग में एक विषय निकला कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो भारत सरकार को ये 25% प्रोक्योर करके हमें देनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, 21 जुलाई को नई पॉलिसी लाया कि भाई हम देश के सभी नागरिक को फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, ये भी सभी राज्यों को कहने से लाया। और 25% स्टेट को लेना था वो ले नहीं पाए, भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का अभियान, देश के 7% नागरिक को वैक्सीनेशन हो, इसके लिए मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, मेरा आग्रह है हम सब लोग साथ में मिलकर वैक्सीनेशन में सहयोग करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जहां वैक्सीनेशन केंद्र चालू हो, टीकाकरण चालू हो, वहां जाए, उसको प्रोत्साहित करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जो भ्रम फैला रहे हैं उसको रिप्लाई करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जो लोग टीका नहीं लगा रहे हैं उसके इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को मिले, वो टीकाकरण करे, टीका लगाए और देश में मोदी जी के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन के अभियान के साथ जुड़े।